क्षमा दया करुणा का नित्य भाव सिखाती है। कहने को हिंदी माँ के बहुत बढ़िया शानदार। जी सुना देता हूँ आपको, सुनिए सब अपने परिवार के। मैं चाहूंगा बिल्कुल स्वागत है और हमारे ये मिले आपको हमारे बात। इसके बाद अंतिम के लिए हमारे फ्रेंड सुमन जी बच्चे हुए हैं। अच्छा अबे आप हमारे घर का लोग हो गए तो आपने थाली अंडे हो जाना ताकि मन लागे आगे। सुनो है पहली पहली बार की बहार याद है, है पहली पहली बार की बहार याद है, मुझको अब भी बचपन का प्यार याद है, है पहली पहली। सुंदर थी एक लड़की 14-15 साल की थी, गोरी थी उसकी काया सूरत कमाल की थी, घनेरी जुल्फ वाली वो चुटिया करके आती, काली कजरी अखियां मन को मेरे लुभाती, हर रोज मेरी आंख से उसकी आंखों से लड़ती थी, क्योंकि नसीब से वो मेरी क्लास में पढ़ती थी। तीरे नजर का पार दिल के पार हो गया, और देखने ही देखने में प्यार हो गया, और देखने ही देखने में प्यार हो गया। पीछे पड़ा मैं उसके कोशिशें हजार की, हिम्मत न जुटा सका पर कभी इजहार की, जुबा पे गूंजते थे हर वक्त तराने, बंद हो के बाथरूम में घंटों गाए गाने, पर प्यार के इस खेल में ये खेल हो गया, वो अगली कक्षा में गई मैं फेल हो गया। बहुत बढ़िया शानदार। एक दिन स्कूल में वो आई नहीं नजर, पता किया तो मुझको पता चली खबर, डैडी के उसके हो गया तबादला कहीं, सुन के दिल के टुकड़े हुए वही के वही। आए हाय फिर थोड़ा दिन के फिर नजर आई। एक दिन वो मुझे दिखी सड़क के मोड़ पर, जल्दी से पहुंचा उससे मिलने को दौड़ कर, इठला के तो वो बोली अपने हेलो झुटू भैया, इठला के तो वो बोली अपने सजीले सैया से, मिलवाती हूँ मैं आज अपने मुंह बोले भैया से। उस दिन दिल के अरमान होंगे बह गए, जिस दिन प्रेमिका के बच्चे मुझको मामा कह गए। तो बड़े साहब मैं अभी तो मांडो भाई जो अच्छा एक मुनी धरपुर सब डर पे भले पुलिस वाला बयान थानदार साहब बयान सब डर पे। एक एक कांस्टेबल फोन लगे मेरे तो नैनी पग उठ गई था। थानदार साहब देखिन बोलिया के ला उन्ने पकड़ी में जो फिर कांस्टेबल बोल कौन यहां तो पोसो हाल भी हाल लो है। ठीक है अच्छा अब मेरे थोड़े साहित्य के लिए मैं थोड़ा सा बोलना चाहूंगा, आज हिंदी दिवस भी है। बिल्कुल स्वागत है। कवि हैं लेखक हैं और लेखक की लेखनी में थोड़ा सा देखें, मैं आपको तो हंसी चुटकुले सुना दूंगा लेकिन एक में मैं पहली बार मंच पे चढ़ाऊँ तो चाहूंगा कि मैं कुछ साहित्य की एक बात कर लूँ, चार लाइनें कर लूँ। आप मेरे घर के लोग हैं इसलिए और आज हिंदी दिवस है इसलिए मैं लिख के लाया हूँ तो उसे पढ़ना चाहूंगा कि आप हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में सर गुरुदेव भाव समेटे शब्दों में यह प्यार बिखेरे जाती है, प्रेम धर्म है प्रेम कर्म है छिंचिन यह बताती है, क्षमा दया करुणा का नित्य भाव सिखाती है। कहने को हिंदी माँ के बहुत बढ़िया शानदार।